कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार पर संकट गहराया, 8 कांग्रेस और 3 जेडीएस विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफा सौंपा। बजट के बाद देशभर में पेट्रोल की कीमत में 2.50 रुपए और डीजल की कीमत में 2.30 रुपए की बढ़ोतरी। सोना, तंबाकू प्रोडक्ट्स और ऑटो पार्ट्स भी महंगे हुए, कांग्रेस ने बढ़ी कीमतों का विरोध किया। पैसे की कमी को पूरा करने के लिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, 31 मार्च तक 1,05,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों पर आगरा में टोल प्लाजा कर्मियों के साथ मारपीट और गुंडागर्दी का आरोप, कठेरिया ने कहा आत्मरक्षा में फायरिंग की। छत्तीसगढ़ के धमतेरी में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सलियों की मौत, हथियार बरामद। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में तिवरे बांध टूटने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री तानाजी सावंत ने केकड़ों को जिम्मेदार ठहराया, विपक्षी दलों ने बयान को शर्मनाक बताया। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ गुलाबी शहर जयपुर। और भूकंप के झटके से दहला अमेरिका, दक्षिण कैलिफोर्निया में 7.1 तीव्रता के भूकंप से दहशत में लोग, अलर्ट जारी।